अखिलेश यादव ने जब चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी नगीना सीट, तब चंद्रशेखर आजाद ने दिया बड़ा बयान। दो कारण हैं जिस वजह से अखिलेश को चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नगीना से उम्मीदवार का करना पड़ा ऐलान। चंद्रशेखर को सपा की ओर से मिल सकती थी नगीना सीट, बस चंद्रशेखर को अखिलेश की शर्त पर चलना था। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। दावा किया जा रहा था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से ताल ठोक सकते हैं। चर्चा ये भी थी कि सपा के समर्थन से चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन का नगीना में लोकसभा प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अब सपा ने नगीना सीट से मनोज कुमार के नाम की घोषणा कर दी, तो चंद दिनों में ऐसी क्या बात हो गई जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को फैसला लेना पड़ा। हालांकि अखिलेश की ओर से चंद्रशेखर को समर्थन नहीं करने के पीछे बड़ी वजह चंद्रशेखर आजाद के उस बयान को बताया जा रहा है जो हाल के दिनों में वायरल हुआ था। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी पर काफी तीखे हमले करते दिखाई दिए। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा था कि मेरे बिना आरएलडी खतौली सीट भी नहीं जीत पाती। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने यह भी कह दिया कि अगर इनका बस चले तो ये लोग हमें पैदा होने से भी रोक देते। इस दौरान चंद्रशेखर सपा मुखिया को लेकर काफी तल्ख और गुस्से में नजर आए थे, लेकिन असल वजह कुछ और है। दो कारण है जिसकी वजह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन नहीं किया। बता दें कि भीम आर्मी चीफ ने नगीना से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की थी। मैनपुरी लोकसभा और खतौली रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद सपा गठबंधन के साथ दिखाई दिए थे। अटकलें लगाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को शामिल कर सकते हैं। अब अखिलेश यादव ने नगीना से मनोज कुमार को सपा का उम्मीदवार बनाकर चंद्रशेखर आजाद का पत्ता काट दिया, तो अब इसकी दो वजह जान लीजिए। पहली वजह, सहयोगी की ओर से धोखेबाजी। जिस तरह से पिछले एक महीने में सपा के सहयोगी ने उन्हें आंख दिखाना शुरू किया, उससे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह महसूस हुआ कि उनका साथ लेने के बजाय अपने नेताओं को प्रमोट किया जाए। जयंत चौधरी की राजनीति को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खूब प्रमोट किया, उन्हें राज्यसभा पहुंचाया, मन मुताबिक लोकसभा सीट भी दी, लेकिन जब अखिलेश को साथ देने की बात आई तो जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया। उन्होंने बीजेपी से दोस्ती कर ली। अब ये बात अखिलेश के दिलो दिमाग में घर कर गई। चंद्रशेखर के साथ अखिलेश ने जो किया, कह सकते हैं वो जयंत के विश्वासघात का परिणाम है। इस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश को खूब अपनी लाल आंख दिखाई, जबकि पल्लवी पटेल विधायक बनी तो सपा के दम पर ही। अगर सपा के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता पल्लवी पटेल को जीतने में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते तो शायद ही वो केशव प्रसाद मौर्य जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता को मात देने में कामयाब हो पाती। अब ऐसी घटनाओं का सामना सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को करना पड़ा। इसी का परिणाम है अखिलेश का विश्वास चंद्रशेखर आजाद से कम हो गया। दूसरी वजह, चंद्रशेखर आजाद की जिद। दावा किया जा रहा है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब दूध के जले मट्ठा भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। अखिलेश यादव की दिली इच्छा थी चंद्रशेखर आजाद सपा के टिकट पर नगीना से चुनाव लड़ें, लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद को मंजूर नहीं था। वो अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है दलित पॉलिटिक्स में चंद्रशेखर आजाद यूपी में बीएसपी प्रमुख मायावती का विकल्प बनना चाहते हैं। अब जबकि चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश ने समर्थन नहीं दिया तो कुछ लोगों ने उन्हें दलित विरोधी करार दे दिया, लेकिन यहां गौर करने वाली बात, सपा में कई ऐसे दलित नेता हैं जिसे अखिलेश ने प्रमोट किया। फिर चाहे सपा में दलित नेता इंद्रजीत सरोज हो, जिन्हें सदन में विपक्ष का उपनेता अखिलेश ने बना रखा है जो कि विपक्ष में सदन का अखिलेश यादव के बाद दूसरा बड़ा चेहरा है, या फिर उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जिसमें 6 उम्मीदवारों में से 5 दलित उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव को जिस तरह पिछले कुछ दिनों में काफी नेता धोखा देकर गए, उससे अखिलेश काफी सतर्क होकर राजनीति कर रहे हैं। माना जा रहा है इस धोखेबाजी के कारण ही अखिलेश ने सपा के नेताओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अब अखिलेश के इस फैसले के बाद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोनर होते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भिगते हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के बयान को जानकर ऐसा लगता है कि वो मानकर चल रहे हैं सपा को उनकी जरूरत थी, ना कि उन्हें सपा की। एक तरह से चंद्रशेखर आजाद अखिलेश को बता रहे हैं वो कमजोर नहीं है, कोई भी उम्मीदवार नगीना में आ जाए जीतेंगे तो वही। आपको बता दें कि इस लिस्ट के मुताबिक बिजनौर सिंह, यशवीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार चुनावी मैदान में उतरेंगे। सपा ने मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, हाथरस से जसवीर वाल्मीकि, लाल गंज से दरोगा सरोज को प्रत्याशी बनाया है।